हाय एवरीवन, फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, जिसके वजह से आप अपना फेसबुक अकाउंट में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से ऑनलाइन तरीके से अपना फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड था उसे किस प्रकार से पता करेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और जो इस वीडियो में तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड होता है उसे आपको फॉरगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड था जिसे आप यहां पे इंटर करके पासवर्ड आप लॉगिन करते थे, वही पासवर्ड यहां पे आपको पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, किस प्रकार से आपको पता करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आपका पता हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसके बाद तो यहां पे आपको वही पासवर्ड आपको डाल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करके फाइनली आप अपना फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए, किस प्रकार से पता करना है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। उसके लिए यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपके फोन में जीमेल होगा एप्लीकेशन, उसे आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे जीमेल एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों, सबसे ऊपर में देखिए आपका प्रोफाइल नजर आता होगा, फोटो नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपका जीमेल होंगे आपके फोन में लॉगिन, वो यहाँ पे नजर आ जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे वही जीमेल आपको सेलेक्ट करना होगा जिस जीमेल पे आपका फेसबुक अकाउंट बना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही जीमेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिस जीमेल आईडी पे आपका फेसबुक अकाउंट बना होगा, या तो फिर जो जीमेल आईडी आपके फेसबुक अकाउंट में लिंक होगा वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरा सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर आता है गूगल अकाउंट, तो दोस्तों आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे गूगल अकाउंट पर क्लिक करते यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन खुलकर आ जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है होम, उसके बाद यहाँ पर नजर आता होगा पर्सनल इन्फो, उसके बाद यहाँ पर नजर आता है डाटा एंड प्राइवेसी, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नजर आता होगा सिक्योरिटी का, ठीक है। तो सिंपल से आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर नीचे आपको आना, नीचे जब आएगा तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड मैनेजर का, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों जो आपका ईमेल आईडी होता है वो आपका पासवर्ड मैनेज करता रहता है, यहीं पे आपका पासवर्ड बैकअप हो जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड होगा वो यहां से इजी में पता कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल से आपको पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक कर देना है। जैसे पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा आपका फेसबुक अकाउंट का वो यहां से पता चल जाएगा। उससे पहले यहां पर देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं अपना ओनो एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाता तो वही यहां से पता हो जाएगा। उसके बाद नेटफ्लिक्स का अगर मैं पासवर्ड भूल जाता तो वो यहां से पता हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो जीमेल आईडी है इतना चीजों का यहां पे पासवर्ड, इतना अकाउंट का पासवर्ड यहां पे बैकअप करके रखा है, ठीक है। सेम सो यहां पे देख सकते हैं फेसबुक अकाउंट नजर आता होगा, जैसे यहां पे देखने नजर आता होगा facebook.com, तो यहां पे मैं facebook.com पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा, या तो फिर आपके फोन में यहाँ पे लॉक होगा तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा, मेरे फोन में दो एप्लीकेशन में यूज करता हूँ, फेसबुक का फेसबुक लाइट और फेसबुक का ऐप भी यूज करता हूँ। दोनों में अलग अलग अकाउंट है, मैं दोनों का यहाँ पे पता कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के यहाँ पे जो पासवर्ड हो बैकअप करके रख लिया। सबसे ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता हूँ फेसबुक लाइट, फेसबुक लाइट का जो भी मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे अच्छा रहेगा आप ई पे क्लिक करके इसे देख लीजिए और कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फेसबुक अकाउंट का पता करना था तो यहां पे नीचे देखिए फेसबुक नजर आता होगा, उसके बाद जो भी मेरा यूजर आईडी है वो यहां पे नजर आ रहा है, उसके बाद जो भी मेरा पासवर्ड होगा वो भी यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर ई पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो आप यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपका दो चीज पता चल जाएगा, अगर आप यूजर नेम भी भूल जाते हैं अपना फेसबुक अकाउंट का तो वो भी यहां से पता चल जाता है, अगर आप पासवर्ड भी भूल जाते हैं तो वो भी यहां से आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आप भी अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे किस प्रकार से दोबारा से आपको पता करना है वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। पासवर्ड पता हो जाने के बाद यहां से कॉपी कीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए, उसके बाद वहां पर जाकर के पासवर्ड वाला सेक्शन में आपको फिलअप कर देना है, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना, उसके बाद फाइनली आप अपना फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी दोस्तों आप लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।